हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बार एक और नया नोटिफिकेशन जो कि निकला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। दोस्तों, इसमें पोस्ट निकली है ग्रामीण डाक सेवक की, जो कि बहुत बहुत बल्क में पोस्ट निकली है। पर जो इस सबको मैं बताने से पहले मैं चाहूँगा आपको कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के लिए आगे भी मैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट और ऐसी पोस्ट की नोटिफिकेशन लाता रहूँ और आप लोगों से कोई भी वैकेंसी छूटे ना। तो जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी आई है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, जो वैकेंसी निकली है ग्रामीण डाक सेवक की। टोटल इसमें जो पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 12,828 पोस्ट निकली हैं इसकी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि सारी स्टेट, दोस्तों ये है स्टेट वाइज वैकेंसी, जो कि टोटल आपको मैं दिखा सकता हूँ 12,828 वैकेंसी हैं। ये देखिए लास्ट में 12,828 वैकेंसी हैं। हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, फिर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, पोस्ट के बाद आगे बात कर लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है और कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन 22 मई से शुरू हो रहा है, 22 मई 2023 से, और 11 जून 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने उसको करेक्शन की डेट भी दे रखी है, जो कि 12 जून से लेकर 14 जून तक 2 दिन के लिए इसकी विंडो खुलेगी, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपकी उसमें कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने में। इसके बाद हम फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस बहुत कम रखी गई। तो दोस्तों, इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल जो फीस है, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या रहेगी। तो इसकी एज टोटल जो जनरल की एज रहेगी वो रहेगी 18 ईयर से 40 ईयर, ये आप देख सकते हैं, 18 ईयर से 40 ईयर, ये टोटल जनरल की एज रहेगी। और इसमें जो डेट है, जो 40 ईयर की डेट है, जो वो कंसीडर करेंगे 80 से 40 ईयर, वो डेट होनी चाहिए 11/6/2023, यानी कि 11 जून 2023 को आपकी 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये नोटिफिकेशन निकला है, इसमें ऊपर जो पोस्ट दिया गया है वो दिखी है ग्रामीण डाक सेवक। तो इसके अंदर एक्चुअल में 2 वैकेंसी आती हैं, जो कि आती है BPM की, ब्रांच पोस्ट मैने ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और ABPM की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ये जो क्लियर दे रखी है। तो इसमें दोनों पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्टों के लिए एक ही फॉर्म है। इसका आगे बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों, इसमें जो सैलरी है वो टाइम बेस्ड रहेगी, यानी कि TRCA के बेस्ड पे सैलरी देते हैं, जो कि है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, साथ में DRS अलाउंस देते हैं। तो जो इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है वो BPM और ABPM के लिए है। BPM के लिए 12,000 से 29,380 रुपये, और ABPM के लिए 10,000 से 24,470 रुपये। ये टोटल दोस्तों जो टाइम है, ये इसका 4 घंटे के करीब आपकी जॉब रहेगी उसके लिए है, और ये टाइम आगे बढ़ता भी रहता है। अगर आप 4 की जगह 6 घंटे जॉब करते हैं तो आपके अलाउंसेस ज़्यादा रहेंगे, साथ ही इसमें अगर 7 घंटे आप जॉब करते हैं तो और ज़्यादा अलाउंस रहेंगे। तो टोटल 4 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे का इनके अलाउंसेस हैं जो आपको दिए जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें से कितना टाइम स्लॉट देते हैं और कितना टाइम आप देखिए उसमें जॉब करते हैं, उसी के हिसाब से आपके अलाउंसेस बनेगी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन ऐसे ही रहेगा जैसे बाकी की गवर्नमेंट जॉब में रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलेशन नहीं, PW के लिए 10 ईयर, PWD प्लस OBC 13 ईयर, एंड PWD प्लस SC ST 15 ईयर। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बस इन्होंने मांगा है 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक होने चाहिए आप, और 10th में आपके पास 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी हैं, जो कि हैं मैथ प्लस इंग्लिश। तो ये मोस्टली हर 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली सबके पास ये सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें एक तो सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है, दूसरी मांगी गई है कि आपको जहाँ के लिए भी आप फिल करते हैं, जिस भी स्टेट के लिए फिल करते हैं, उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। वहाँ की आपको, आप गुजरात की बढ़ते हैं तो गुजराती आनी चाहिए, असम की बढ़ते हैं तो असमी आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको
नॉलेज आनी चाहिए, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप बोल सकते हो। इसके अलावा एक और अदर जो मांगी है उन्होंने, वो मांगी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और आपको साइकिलिंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मांगी गई है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप जो भी फॉर्म भरें, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग भरें, उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें एक और चीज़ दे रखी है क्राइटेरिया, कि जो आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें, वो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होगा, यानी कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। इसमें जो भी सिलेक्शन होगा वो केवल आपका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो आपके 10th के मार्क्स होंगे उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। 10th के मार्क्स आपके जितने भी परसेंटेज हो, आप अपने उसमें परसेंटेज डालिए। अदरवाइज़ अगर आपका CGPA है तो उन्होंने फार्मूला दे रखा है कि CGPA है तो जितना भी CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके और जितना भी परसेंटाइल बने उतने आप उसमें लिख दीजिए। तो ये उस बेसिस पे आपको उसके बाद मेरिट बना के और फिर वो आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे भी है वो मेरिट के उस पर अकॉर्डिंग पे डिपेंड करेगा। दोस्तों इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपकी वही रहेगी जहाँ भी आप स्टेट अप्लाई करते हैं, उस स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब दी जाएगी। और इसमें एक और कंडीशन रखी गई है कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना एकोमोडेशन दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और आपका वहीं का एकोमोडेशन है। यानी कि सिंपल सी बात कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वहीं उसी स्टेट का आप फॉर्म भरिए, जिससे कि आपको एकोमोडेशन दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। या आप वहाँ के ही हैं, वहाँ के आप डोमिसाइल हैं आपका, और आप वहाँ ईजिली आपकी लोकल लैंग्वेज भी जानते होंगे और आप सारी चीज़ें फुलफ़िल भी करेंगे। तो ये दोस्तों फॉर्म है, इसको जल्दी से भर दीजिए 11 जून से पहले पहले। इसके अलावा आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हो और उसके रिकॉर्डिंग वीडियो बना के उसको क्लियर किया जाए। तो तब तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने और भी दोस्तों को शेयर करें जो जो फॉर्म भर सकते हैं और जो तैयारी में लगे हुए हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितनी भी नई नई वैकेंसी आएंगी उन सब का नोटिफिकेशन प्लस लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।